गुलशन इकबाल में फायरिंग से एक शख्स चाबहाग, लांडी में एक शहरी जख्मी हुआ। सरजाने और करंगी पुलिस ने चार डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान में कोरोना की वबा में कमी, 24 घंटे के दौरान मजीद 7 अफराद जांबहाग, 755 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% तक गिर गई है। 821 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि 10 करोड़ पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हदफ हासिल करने के करीब हैं। सऊदी हुकूमत का कोरोना SOP से मुतालिक आए पाबंदियों में नरमी का ऐलान। हरबैन शरीफैन और दीगर मसाजिद में समाजी फासले की पाबंदी खत्म। PCR टेस्ट, करंटीना और दौरान नमाज समाजी फासले की शर्त भी खत्म कर दी गई। मास्क की पाबंदी बदस्तूर आयद रहेगी। चंद घंटों के सीज फायर के बाद रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव, मारियोपोल और सोमी पर दोबारा से हमले। कीव के नवाही कस्बे में बमबारी से 6 अफराद हलाक। आर्जी जंग बंदी के दौरान बड़ी तादाद में शहरी मारियोपोल और कीव से निकल गए। यूक्रेनी सदर पोलैंड के सरहदी इलाके में मुंतकिल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नो फ्लाई जोन करार देने और माशी पाबंदी को बराह रास्त जंग से तशबीह दे दी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की का जंग मुखालिफ रैलियों से खिताब। यूक्रेन में होने वाली तमाम हलाकतों का जिम्मेदार नेटो को करार दे दिया। फलस्तीन में सहनी फोर्सेस की सख्त कार्रवाइयां जारी। मस्जिद अक्सा के करीब एक नौजवान को बहीमाना तशद्दुद के बाद शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की मतनाज़ हल्का बंदियां, मकामी रहनुमाओं के बाद कांग्रेस भी सरापा एहतजाज। जम्मू कमिश्नर ऑफिस के बाहर कांग्रेस रहनुमाओं का एहतजाज। BJP सरकार की मतनाज़ हल्का बंदियां मुस्तरद करते हैं। पुलिस ने मुताबिक मुजाहिर को हिरासत में ले लिया। मुल्क में मौसम के तेवर बिगड़ने लगे, कहीं तेज हवाएं चल पड़ी तो कहीं आंधी का है खदशा। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी है। फसलों के नुकसान से भी खबरदार कर दिया गया। आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कदम जमा लिए। चार के वक्फे तक 222 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा के 97 रन, डेविड वार्नर भी 68 रन के साथ नुमाया। अजहर अली ने 185 और इमामुल हक ने 157 रन की शानदार इनिंग खेली। पाकिस्तान ने पहले इनिंग से 476 रन 4 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर की थी। वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड में भारत की पहले बैटिंग 244 रन से स्कोर किए। पाकिस्तानी वुमेन टीम हदफ के ताकुब में 137 रन पर ही ढेर हो गई। सिदरा अमीन 30 और विश्वा मारूफ 15 रन बना पाए। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। और मधुर आवाज से फिल्मी गीतों को अमर करने वाली माला बेगम की 32वीं बरसी। 600 से ज्यादा फिल्मों में आवाज का जादू जगाने वाली मारूफ गुलकारा ने सुपरहिट गीत गाया।